भाइयों को मेरा राम राम। सभी संचालक भाइयों तो आई हुई है। अब अपना है पिछले महीने का मुद्दा देखते हैं, काम हुआ कि नहीं पहले मुद्दे पर। जामुन डोली में 30 नए सदस्य जुड़ने का मुद्दा था, तो वो तो बड़ी समिति बोलेगी ना तब जुड़ेंगे अपन। वो भी 400 का ही फॉर्म बनाने का था। दूसरा है इतेश को ओवर टाइम में नाश्ते देने का मुद्दा था, तो मिल रहा कि लोग आई बताओ। ये तो पिछले महीना था ना, में कमला भाई के बंद फार्म को चालू करने का मुद्दा था, तो समिति ने चर्चा किया था। चर्चा करके निर्णय लिया कि कमला भाई कोमल को आने वाले महीने में, इस महीने में बुलाए थे अपने 10 तारीख को, तो पता नहीं उनके संचालक से पूछो ना खकरपुरा वाली भाई से। ठीक है तो नहीं समय पर दवाई नहीं मिल रही, तो है ना समिति ने यह निर्णय लिया कि दवाई इसलिए नहीं मिल रही है कि दाना पे ही ज्यादा डल रही है, इसलिए कम कर दी है ना। सारी दवाइयां दाना पे डल रही है और है ना पानी साफ करने की तो परमानेंट रहना ही चाहिए। दूसरा मुद्दा था चौकीपुरा में सुपरवाइजर जित्तू का मुद्दा था, तो समिति में चर्चा करके निर्णय लिया कि जित्तू अपनी पारिवारिक समस्या से परेशान था, इसलिए फील्ड के काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। जित्तू ने समिति को आश्वासन दिया है कि आगे मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, इसलिए समिति ने जित्तू को एक मौका और देने का निर्णय लिया है। अब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं? आप ही सारा कि नहीं? दूसरा मुद्दा यह था कि वेस्ट प्रोड्यूसर को आम सभा में इनाम वितरण का मुद्दा, तो समिति ने यह चर्चा कर यह निर्णय लिया कि अपनी समिति को नफा हो या नुकसान, अब प्रति वर्ष वेस्ट प्रोड्यूसर का इनाम राशि बड़ी समिति के द्वारा वितरण किया जा रहा है, क्योंकि गांव से भाई बोल रहे थे ना कि क्यों दिए करना है, इसलिए ना यही बताया हमको शनिवार की मीटिंग में कि अब अपने को आगे बढ़ना है, पीछे की ओर मत लौटो, अपन को पीछे नहीं जाना है, इसलिए अपनी बहुत बड़ी समिति है, इसलिए 10,000 कर दिए। तब आई हमने नहीं चिल्लाए, उधर भी बोलते हैं कि बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं, हम जाते हैं मीटिंग में।
इस बात का नहीं निकाला, वो कुत्ते का ही था, दूसरी बार नहीं दिया। जब साल भर में जब साल भर में एक नंबर अच्छी है तो कहाँ नहीं होगा पैसा, नहीं है तो बात है। आज तो पैसा लेकिन आप पैसा लेकिन आप लेके नहीं पैसा, ये तो समझ। फील्ड में बोर्ड पर आय व्यवहारिक पत्र नहीं लिखने का होता। समिति ने चर्चा करके निर्णय लिया कि हर फील्ड में बोर्ड बनाया गया है, लेकिन सुपरवाइजर के द्वारा बोर्ड पर लाभ हानि पत्रक नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन अब से नहीं लिखने वाले सुपरवाइजर को 200 रुपए दंड का प्रावधान रखा गया है। लिखाया कि नहीं है उसको तो बहुत बार बोला है नया बोर्ड खरीद के लाओ। मैंने भी बोली सर उसको नहीं, हमारे घर में बोर्ड है कि नहीं ये पढ़ रही है जारी किया है। 5/22 मुझे आया था तो वो रिसेंट नहीं गया, मुझे नहीं दुबारा तो हम ने 3 दिन तो कमजोर मुझे निकाल रहे थे तो बोले तो पालना हो तो पालो भाई, नहीं तो मत पालो, कमजोर मुझे लेके नहीं आया भाई नहीं आ गए। मेरे एग्जाम देने में 3 थोड़े तो मेरे गाँव में गए और बाद लगना चाहिए। मेरे गाँव में मुद्दा ये है कि सुबह उठी और पहले तो फिल्टर रूम नहीं लिए गई, मैं मुर्गा गए तो किसने तैयारी किए नहीं किए करके आज मिल के 10 तारीख का एग्जाम नहीं करते। उसके बाद में नए सुपरवाइजर का तैयारी में नए सुपरवाइजर बच्चर आ गए तो कोई गाय का पर्दा लग गई है, कोई ने स्प्रे भी कर दी है, तैयारी बुरादा नहीं मिली, नहीं तो जिसके पास बुरादा उन्होंने स्प्रे कर दी है तैयारी। हमारे गाँव में कोई समस्या मुर्गा जैसे सर्दी वाले हैं और मर रहे हैं, दो चार ही फार्म है अभी बाकी।
डाउन रिपोर्ट में ढाई किलो में मुर्गा हो रहा और पलट के मर रहा। नयापुरा में जो गाड़ी आए थे नहीं रात में 3 बजे रात को गाड़ी आए, बहुत चूजे आए थे तो बहुत मारे। हमारे गाँव में क्या मुद्दा है, जो सब जगह चूजे डाल रहे हैं और कई जगह 700 दे रहे, कोई 800 दे रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सहेली से मुद्दा है कि नई वाली जो 3 ग्रुप है बेरोजगार, वो बोल रही थी कि आज 10 तारीख के मीटिंग में जाके और इसका मतलब मुद्दा लिखवाना वहाँ पे कि हम भी मुर्गी पालन करें। 3 ग्रुप के बारे में मंडीपुरा से भी मुद्दा है कि भाई ने लिख के दी है मेरे को कि हम 10 भाई हम भी फार्म बनाएंगे और एक भाई पुरानी सुशीला भाई उसको जाली चाहिए फार्म में लगाने के लिए। रिजर्व के द्वारा डेली जो मॉर्टेलिटी रिपोर्ट देना है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना है। सभी भाइयों को पिछले महीने की मीटिंग में ये बताए थे कि बड़ी समिति में चर्चा होगी उसके बाद ही नए सदस्य को जोड़ा जाएगा, इसलिए अब बड़ी समिति की मीटिंग हम लोग जनवरी महीने में करेंगे, उसके बाद जो चर्चा में निर्णय होगा बड़ी समिति का तब हम संचालक मीटिंग में आपको बताएंगे। अब हमने जो चर्चा लिखवाए है ना, मुद्दा लिखवाए हैं उस पर चर्चा करेंगे एक एक पर। पहला मुद्दा है डांडीवाड़ा में चूजे मरने का मुद्दा। कौन सी कंपनी से आए थे? हरियाणा। रंजन जी, आप इतने चूजे मर रहे हैं गाँव में, तो आपने जाके देखा या नहीं, या क्या कर रहे हो उसके लिए? ये जो चूजे है पहली बात तो वो हरियाणा से आए थे, आप लोग का भी चूजे आए थे ना, तो हरियाणा से आते आते थोड़ा लुट हुआ था और शायद रात को भी खाली हो गया था, तो हमने सुपरवाइजर को भी मना करके रखे थे कोई भी गाड़ी मतलब दूर से आए तो रात को खाली मत कर। भाई लोग क्या करते हैं वो उसको अच्छे से देख के नहीं लिए। नहीं सर, देख के तो अच्छे से लिए। उतनी बड़ी तलवार थी 40 ग्राम की निकली, फिर भी जैसे सोते सोते टूरम आते हैं ना, तो दूर से आते हैं रात को ही टूरम, उसको बुकिंग करना जरूरी है उसी को। और मैंने एक दिन रात को 3 बजे जाके भी मैं एक दिन कोटनी में देखा, कोटनी में एक बार हमने जाके देखा सुजे रात को आया, रात को ही गाड़ी खाली हुआ और उसके बाद भाई लोग क्या किया सुजे को अंदर लाके सब सो गया। हाँ, लेकिन फिर भी जब ठंडा दिन में जब सुजे आते हैं, थोड़ा सुनिए भाई, ठंडा दिन में जब सुजे आते हैं तो जब भी सुबह गाड़ी खाली हो जाए सुबह हो या रात हो, उसको थोड़ा सा मतलब बुकिंग तुरंत कर देना बहुत जरूरी है। और उस दिन हमने दादीबा में गया तो खान पे जाके देखा जगह भी सही समय पर खुल नहीं रहा है, प्रेमपति बैठे हुआ में हमने जाके देखा तो जो रिंग है एक खान पर उसका रिंग ही नहीं है, सुबह बाहर 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 से घूम रहा है ऐसे ही एक साल लगा के रखे। तो मैंने बार बार बताया हूँ की रिंग ले जाओ, हमने बांट दिया था उसका ठंड लग रहा था पिछले साल, एक अम्मा का बच्चा बांट दिया हमने। ये पन्ना में ये नहीं लिखा है, हमने तो गाँव में करके बंद भी कर दिए, तो बखूब लगी भी रिपोर्ट भी करी, मैंने रिपोर्ट भी कर दी, हमने बोला लाए नहीं मुद्दा भाई आई थी, हमने कुछ नहीं करवा के लिए। पहला दिन ही ब्रूडिंग है बच्चों के लिए है ना, ठंडी दिन पहला दिन की ब्रूडिंग ही काम करेगी, तो सुबह आने से पहले भी लकड़ी का व्यवस्था करना पड़ेगा, जला के रखना वो गर्म होने, हाँ पर्दा खोलने से पहले सिगड़ी जला दो और उसके बाद फिर तुम बच्चे छोड़ना। डॉक्टर साहब से हमारे ये सुझाव है कि अगर एक ही कंपनी से आ रहे हैं दो गांव बच्चे डले हैं तो एक ही गांव के मर रहे हैं या सभी जगह के मर रहे हैं, अगर सब जगह के मर रहे हैं दोनों गांव के तो वो तो चूजे में ही खराबी होगी ना सर। और भाइयों का बोलेंगे तो भाई क्या करेगी, भाई तो सब तरीके से काम कर रही, सिगरेट भी जला रही है, हरियाणा से डले हैं उसके चूजे मर रहे हैं।
समझ लिया हूँ। इसका मेन कारण है कभी कभी जो एचआईवी से सूझ जाते हैं ना, कुछ बीमारी एचआईवी से भी आता है, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं लग रहा। तो उसमें क्या होता है, तो मैं आज एक फार्म में देखा, कुलपति भाई के घर में जाके देखा, ये जो जिस दिन हमारे सूझे आते हैं वो जो बॉक्स आते हैं ना एचआईवी से, वो बॉक्स तुरंत उसी दिन जला देना चाहिए, उसको कभी भी फार्म के आजू बाजू नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारा क्या कहता है भाई, उसी को भी फिर फेंसिंग बनाने के लिए, पार्टीशन बनाने के लिए रख लेता है। तो आज मैं भाई को बोला कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेचआई से उस बॉक्स में कुछ कुछ मतलब जीवाणु कीटाणु आ जाते हैं, जो हमारा फार्म के स्तर पर नहीं है वो हेचआई से भी आ सकता है। ये बात पर आगे जाके ध्यान दिया जाएगा, और कोई नया कंपनी से सूझे आएगा तो उसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो कंपनी वालों को हम बोलेंगे कि जो भी हमारा लॉस हुआ है, जो भी ज्यादा मॉर्टेलिटी हुआ है, उसको भरपाई करें। ओजापुरा से एक मुद्दा था, ओजापुरा में 15 तारीख तक बच्चा डल जाना चाहिए मुर्गी। जो पहले खाने वाला उसका जैसे भरा उधर का जाना होगा तो उसका पास नहीं होगा, मुझे पता क्या होगा, पता नहीं होगा, नहीं हमको पहले से मालूम है कि ये खराब सुझा है, हमको लेना ही नहीं। नहीं आप भाई ने बोली थी ना कि बोले भैया तू चमका वैसे ये सीमा तुझे मचाई तो हमने पैसा काटा यूं दी थी, पूरा गाड़ी की गाड़ी खराब थी। नहीं बात कर क्या इसमें गलती तो उसकी है ना भाई, वो जो मना कर दी उस चीज को उस व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए कि आप डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, उससे जानकारी ले रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला। वहाँ पर भाइयों का मेरा नमस्ते। नमस्ते, आप लोगों ने मेरे को बुलाया है काम क्या? हाँ, आपने है ना जाली खेड़ा में चूजे डालने गए थे तो ये बोले थे कि वहाँ के भाइयों से, और संचालक भाई भी थे वहाँ पे, तो डालना पालना है तो पालो नहीं तो मत पालो। मैंने बोला था ऐसे अक्सर रितेश आप ना गांव में भाइया कुछ बोलती है तो उनको ये कहने गलत नहीं बोलने की वजह आप इसमें आकर डॉक्टर को बता दीजिए कि, या फिर अगर फोन लगता हो वहां से तो फोन लगा के बोल दीजिए कि बच्चे सही है लेकिन भाइया लेना नहीं चाह रही है। भाइया आप लोग अपने अपने गांव में जाकर मीटिंग कर सभी भाइयों को ये समझाना है कि सुपरवाइजर आता है तो ध्यान से मुर्गा बताए कि कितना मरा नहीं मरा, और सुपरवाइजर को भी हफ्ते में आप बैठती हो तो उनको भी बोलो कि तुम डेली आओ रिपोर्ट लिखो, और डेली सही रिपोर्ट दोगे तो आखिर में हमारे को परेशानी नहीं होगी, नहीं तो मुर्गा जब जीरो होता है तो परेशानी होती है। डॉक्टर साहब इस महीने का हिसाब किताब कैसा रहा आप हमें बता दीजिए सभी भाइयों को। ठीक है भाई, पिछले महीने का जो परफॉर्मेंस है कोऑपरेटिव का वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ।
पिछले महीने में सुजे का औसत कीमत था 21 रुपया 9 पैसा और ये भी सुजे का अक्टूबर महीने में था 24 रुपया 88 पैसा। इस बार नवंबर महीने में कुल हम 2,17,189 सुजे डाले हैं हमने और उसका कुल रकम था 45,81,106 रुपया। और इस बार जो दाना का उत्सव था प्रति किलो पे 15 रुपया 90 पैसा मतलब लगभग 16 रुपया पड़े हैं। दवाई ज्यादा वैक्सीन में लगभग 4 रुपया। मृत्यु के दर था 5%। औसत बिक्री वजन था 2400 ग्राम का मुर्गी। एफसीआर है 1.9। सुपरवाइजरों को उत्पादन सहयोग के लिए दिया गया है 33 पैसा प्रति किलो के हिसाब से। उत्पादन द्वारा जो पेमेंट हुआ है 4 रुपया 65 पैसा। तो प्रबंधन एवं बाजार खर्च में ये स्थानांतरण खर्च कुछ भी नहीं था। फिर किराया एवं बिजली खर्च था 16,401 रुपया मतलब ये ट्रिपमिल और ऑफिस का सब मिला के। यात्रा खर्च 24,807 रुपया किलो के पीछे 10 पैसा। मरम्मत के लिए 8,606 रुपया। लिखाई सफाई खर्चा के लिए 3,735 रुपया। टेलीफोन एवं डाक खर्च के लिए 1,907 रुपया। इस बार थोड़ा जनरेटर हमको ज्यादा चलाना पड़ा क्योंकि बिजली दिन भर बिजली नहीं था तो बड़ा जनरेटर हमको चलाना पड़ा तो इसलिए जनरेटर का खर्चा थोड़ा बढ़ गया। इस बार 48,520 रुपया गया है पूरा महीने में। और अन्य खर्च था लगभग 6,725 रुपया। तो फिर मानव संसाधन के लिए मतलब जो सैलरी है स्टाफ का सैलरी के लिए दिया गया 43,200 रुपया। संचालकों के लिए खर्चा किया है 2,707 रुपया। तो कुल मतलब लागत है लगभग 47 रुपया 22 पैसा प्लस 66 मतलब 47 रुपया 88 पैसा लगा है। और बाजार से हमको मिला है इस बार 51 रुपया के दर से किलो के पीछे। इस बार हमने लगभग 1,29,051 मुर्गी बेचे हैं और उसका जो वजन था 3,11,997 रुपये और बाजार से आए हैं हमारे पास 15,01,59,37,786 रुपया और हमारा बाजार से आया 51 रुपया मतलब पर किलो के हिसाब से और किलो के पीछे 3 रुपया 19 पैसा प्रॉफिट हुआ। तो पूरा महीना का जो प्रॉफिट हुआ है लगभग 7,57,000 रुपया मतलब पिछले महीने से इस महीना रेट पूरा गिर गया। पिछले महीना लगभग 7 रुपया रेट था, इस बार 51 रुपया हो गया। तो इसीलिए जो मुनाफा है प्रॉफिट रेट घट गया 7 लाख हो गया। पिछले महीना ये 25 लाख था। तो इसका मेन कारण है हमारा बाजार में आज लगभग 10 दिन से मुर्गी का रेट बहुत डाउन हो गया क्योंकि पिछले महीने में लगभग 56 से लेकर 60 तक बेचे थे, इस बार 38-37 तक भी मुर्गी चला गया है मार्केट में। तो इस महीना भी अभी मतलब रेट इतना ठीक नहीं है दिसंबर महीना में। तो नवंबर महीने में प्रॉफिट हुआ 7,57,000। चर्चा हुए भैया आप यहाँ आप पढ़कर सुना दीजिए भाइयों को। भाइयों को पिछले मीटिंग में बताया गया था कि नए फार्म बनाने के लिए बड़ी समिति से बात करेंगे, वहाँ निर्णय होने के बाद अगले मीटिंग में बताने का चर्चा किया गया। दांडीवाड़ा में हरियाणा में चूंकि आया था जो दूर से आने तो दूर हो गया था लेकिन डॉक्टर साहब के द्वारा पूछने पर कुछ प्रोड्यूसरों को पालने का तरीका वगैरह बताया गया यानी ठंडी से मरने का कारण बताया गया। तो बताया गया कि हिचड़ी से भी गड़बड़ी आ सकती है जिससे चूजा मर रहा है। हम इस मामले में हिचड़ी वाले से बात कर उसको माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कर सकिया है जालीखेड़ा अगला चर्चा है। जालीखेड़ा में चीक से कोई हितेश के द्वारा दबाने से बात की छानबीन किया जिसमें हितेश के बोलचाल
में गलत पाया गया है, इन भाइयों के द्वारा भी अच्छा चीजों को बदलने में गाड़ी वेट करने का बात बता गया है। नीतीश को भविष्य में ऐसा विवाद नहीं करने का संदेश दिया गया है। देखो मेरा धन्यवाद, क्योंकि अब है ना इस महीने में अपने को तो भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन अच्छे से जाकर भाइयों को ठीक से समझाना कि आप भी बाजार में रेट कम था इसलिए अपने को प्रॉफिट कम हुआ है, और आने वाले समय में अगर बाजार का रेट ठीक रहेगा तो भाई अच्छे से काम करेगी तो अपनी समिति में फिर से भरपाई हो जाएगी और भाई को भी अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ लेकिन गांव में ठीक से समझाना नहीं तो फिर बाद में मुद्दे आते हैं ना, तो हाँ लेकिन वो समझाना पड़ेगा ना कि बाजार से सब कुछ तो बाजार से ही हो रहा ना।